देखो यार, जब भी कोई मूवी कंट्रोवर्सी पर जाती है तो मूवी के मेकर्स की हालत इतनी ऊपर होती है जितनी कि उनके ऊपर की छत नहीं होती। बिकॉज जो ट्रेंडिंग में मूवी द केरला स्टोरी चल रही है, तो सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि दिस इज अ नॉट मूवी, बल्कि ये उस स्टोरी के बारे में है जो कि केरल में उन 32,000 गर्ल्स को रिलीजन का इश्यूज का नाटक देकर उन्हें टेररिस्ट बनने पर मजबूर किया था। तो इसकी स्टोरी उसी पर बेस्ड है और 2 से 3 साल पहले मैंने भी इसकी स्टोरी के बारे में सुना था। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़े मूवी के प्लॉट को देख लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है उन 3 लड़कियों के साथ जो कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज ज्वाइन करती है, जो कि उनकी मुलाकात एक मुस्लिम लड़की से होती है जो कि उनका ब्रेन वॉश करती है, वो भी ये कहकर कि केवल इस्लाम ही है जो कि उनकी रक्षा कर सकता है। इसके कारण पहले तो वो अपने परिवार से दूर होती है और फिर उन्हें अपना देश भी राक्षस लगने लगता है और फिर इन्हें ISI ज्वाइन कराया जाता है जो कि ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी दुश्मन। और ये कहानी उस लड़की के द्वारा कही गई है जो कि इसका शिकार बनी थी और उसका नाम श्रुति है। अब मेरी राय मानो तो हम सबको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए और देखना तो कम से कम इसकी स्टोरी के बारे में तो जरूर ही जानना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी उस फोबियास के बारे में जो कि मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन टेररिज्म का है। वही मूवी का बजट देखे तो मूवी का बजट लगभग 10 करोड़ रुपए है। इसकी मेन लीडिंग एक्टर आदा शर्मा है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुधीर सेन ने और मूवी का VFX देखे तो फिल्म के हिसाब से ठीक ठाक है। मूवी के अंदर कुछ कत्लेआम का नंगा नाच दिखाया गया है। अब मूवी में कुछ प्रोपेगेंडा बताकर बैन करने के लिए भी क्वेश्चन उठ रहे हैं क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस का पॉलिटिकल हैरेसमेंट भी हो रहा है ना। खैर, तुमको कैसी लगी मूवी कमेंट में जरूर।